जब से ये मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी एकदम रंगीन हो गई। पर मैं भी शांत नहीं बैठूंगी, जीना हराम कर दूंगी इस लड़की का। अब जैसे सपना बोल रही है वैसे ही करना होगा दोस्त। बताइए क्या बात है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तो तुम हमेशा ही कहते हो। ये बताओ तुमने पापा जी से बात की? कौन सी बात? हे भगवान, क्या आदमी हो तुम? महीने भर से एक ही चीज बोल रही हो कि आगे से किराए के पैसे पापा जी तुम्हारे हाथ में रखे, घर तुम चलाओगे और वो नहीं। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा, पर अभी ना। मेरा प्यार करने का मूड है। तुम ना इसी समय पापा जी से बात करो, उसके बाद मेरे करीब आना। निशा, इतनी सुंदर लड़की को देखता तो जी हरा भरा हो जाता है। काश कि मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं इन सब में जान डाल देता है। पापा, पापा पैसों के लिए बात करनी थी। अभी पिछले हफ्ते तो दिया था तुझे पैसे, इतनी जल्दी खत्म कर दिए? पापा उन पैसों के बारे में बात नहीं करनी थी। दरअसल बात यह है कि हमारी प्रॉपर्टी और फ्लैट के रेंट से जो महीनों का लाखों रुपए आता है उसे मैं लेना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि इस घर की जिम्मेदारी अब मैं उठाना चाहता हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खिला पिला के तुझे इतना बड़ा कर दिया, शादी करवा दी, पर अब तक तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और अब बाप के पैसों पर नजर गड़ाए बैठा है। दिक्कत क्या है पापा जी? और वैसे भी बाप की हर चीज पे बेटे का ही हक होता है, और अगर अजय इस घर की जिम्मेदारी उठाना चाहते तो बुराई क्या है? इस घर में बिना मांगे एक कप चाय तो मिलती नहीं है। और बात कर रही हो जिम्मेदारी की, मैं सब समझता हूँ कि तुम लोगों की नजर मेरे खून पसीने से बनाई प्रॉपर्टी और पैसे पर है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जब तुम लोगों की बातों में आ जाऊं। देख के नहीं चल सकता क्या? दिखा नहीं दे रहा देखो, तेरे बाप भी सड़क है। बाप किसको बोल रहा है तू? हाँ, बाप किसका निकल रहा है? हाँ निकल निकल, बाप किसका निकल? अरविंद, मुरली। अरे हाँ यार अरविंद। अरे दोस्त क्या बात है यार, कैसा है मेरे दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक, तू कैसा है? मस्त। इतने सालों से था कहाँ तू? अरे मैं तो अमेरिका में था बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, कुछ हफ्ते पहले इंडिया वापस आया।
कामिनी, कामिनी, ये मेरा पुराना और खास दोस्त मुरली, और मुरली ये कामिनी मेरी गर्लफ्रेंड। हाय। यार अरविंद, अमेरिका में तूने ऐसी कौन सी कट्टे पी? ऐसी लड़की मिल गई तुझे? अरे अब सारी बातें यहीं करेगा क्या? कहीं बैठ कर बातें कर दे। हाँ तो मिलते रात को मेरे घर पे। पक्का? शाम को तेरे घर पे आता हूँ। रात भी क्या, चल बाय। शाम को मिलते। पक्का, चलो। यस यस। मुरली, मैं और कामिनी अमेरिका में मिले थे। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी एकदम रंगीन हो गई है। बस अब एक बार मेरा बिजनेस इंडिया में सेट हो जाए, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। तुम देख रहे हो पापा जी को कैसे अपने दोस्तों और उनके गर्लफ्रेंड्स के साथ अय्याशी कर, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है इनको। और तुम ना सिर्फ देखते रहना, कुछ बोलना नहीं तुम। हाँ निशा, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, इसमें क्या बोलूं मैं उन्हें। तुमसे ना कुछ नहीं हो पाएगा, तुम रहो ऐसे। अब मैंने तो अपने बारे में बता दिया, तू बता। मैं क्या बताऊं यार, अजय की माँ के गुजर जाने के बाद से अकेला सा हो गया हूँ यार मैं तो। अरे अकेला क्यों, तेरा बेटा और बहू भी तो है। सिर्फ नाम के बहू और बेटे, उनकी तो नजर सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी और पैसों पे है। भगवान का दिया हुआ ना सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी ना बड़ा अकेला सा महसूस करता हूँ मैं अपने आप को यार। अब आपको अकेला फील करने की जरूरत नहीं है, अरविंद और मैं आपके साथ हैं। थैंक यू। कामिनी ठीक कह रही है। अब बस करो डार्लिंग, घर भी तो चलना है। अरे कामिनी जी, टेंशन मत लीजिए, आज आप लोग हमारे घर पर ही रहेंगे। अरे फिर तो आज रात जमकर पिएंगे। हाँ पी ना। हाँ बस बस बस। चीयर्स। चीयर्स। जान जा सकती थी, अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। आपने क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते ना मुझे माँ, मैं क्या करूंगी अकेले जीकर। ये कैसी बातें कर रही हो? देखो आत्महत्या करना पाप है, और मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। नाम क्या है तुम्हारा, और ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाह रही थी? सपना नाम है मेरा, दुनिया में कोई नहीं है मेरा।
मैं अकेली जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए अपनी जान दे रही थी मैं। देखो सपना, सोचो कि भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। हाँ देखो सपना, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ चलो, घबराओ मत। हाँ? चलो आओ मेरे साथ, चलो आ जाओ। मैं पापा से बात करके आपको बताता हूँ। आओ सपना, आ जाओ। आओ पापा, ये लड़की कौन है? ये सपना है, इसका दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए बेचारी अकेली जिंदगी से परेशान आके आत्महत्या करने जा रही थी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मैं पहुंच गया और मैंने इसे रोक लिया। अब सपना इस घर में हमारे साथ ही रहेगी। ऐसे कैसे ये इसी घर में रहेगी? ये घर है, कोई आश्रम नहीं, और ये लड़की यहाँ पे नहीं रहेगी। पापा निशा ठीक कह रही है, आजकल जमाना वैसे ही बहुत खराब है, और बिना जांच पड़ताल की ऐसे किसी को घर में लाना सही नहीं है। अरे क्या सही है क्या गलत है ये तुम मुझे बताओगे? सपना इसी घर में रहेगी और मैंने ये फैसला ले लिया है। आप लोग प्लीज ऐसे मत झगड़िए मेरे लिए, कोई बात नहीं मैं चले जाती हूँ, बट प्लीज ऐसे मत झगड़िए। अरे सपना रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी घर में रहोगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, आओ आ जाओ, हटो आ जाओ। पापा जी खुद को समझते क्या है? मतलब ये इस घर के मालिक है तो कुछ भी करेंगे, पर मैं भी शांत नहीं बैठूंगी, जीना हराम कर दूंगी इस लड़की का। तुम शांत हो जाओ, मैं पापा से बात करता हूँ। तुम क्या बात करोगे, तुम कुछ कर पाए हो? यह है तुम्हारा कमरा, आज से तुम यहीं रहोगी। थैंक यू सो मच। तो गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी। यहाँ रहना है, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये लो पकड़ो कपड़े और जाके धो। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? कहा ना लो पकड़ो जाके धो कपड़े। बहू क्या बतावीजिए, अपना कोई नौकरानी नहीं है जो इस घर के काम करेगी। नौकरानी नहीं है पर नौकरानी जैसी तो है, और इस घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, और वैसे भी इस घर को एक नौकरानी की जरूरत तो थी ना। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? सपना ना तो नौकरानी है और ना वो इस घर के काम करेगी, आया समझ में? आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ मैं।
अरे सपना, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती। लीजिए दूध पी लीजिए, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सच कहूं सपना, तुम्हारे आने से ना मुझे अपनापन सा लगने लगा है। तो मुझे अपना ही समझिए। ठीक है? हाँ वहाँ का ठीक है, लेकिन ऊपर थोड़ा उतर कर, यहाँ थोड़ा सा ऊपर और ये। बहुत जल्दी तुमने मेरे ससुर जी का दिल जीत लिया, उनसे पैर दबवा रही हो। आओ देखो अपने पापा जी के कारनामे, अपने बिस्तर में बैठा के उसके पैर दबा रहे हैं, सेवा सत्कार चल रहा है। बहू बात का पतंगड़ मत बनाओ, अरे सपना के पैर में मोच आ गया था इसलिए मैं थोड़ी मालिश कर रहा था। भगवान ही जाने मालिश चली थी कि कुछ और। क्या हुआ सपना? वो आप अचानक आ गए ना, ऐसे आप सोए नहीं अभी तक? जब तक मैं तुमसे माफी नहीं मांग लूंगा मुझे वाला नींद कैसे आएगी? माफी? किस बात की माफी? सपना वो निशा ने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया ना उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसकी बातों का बुरा मत मानना। सच कहूं तो मुझे आपकी हर वक्त चिंता लगी रहती है, आपके बेटे और बहू इतना दुर्व्यवहार करते हैं आपके साथ, ऐसा लगता है जैसे आप उनके दुश्मन हैं। कहीं आपको कुछ हो गया तो उनके वजह से? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अगर अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कैसे जीऊंगी मैं, किसे अपना कहूंगी मैं? देखो सपना तुम चिंता मत करो, तेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, रात काफी हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। Thank you.
उनके दुश्मन हैं। कहीं आपको कुछ हो गया तो उनकी वजह से। सपना, सपना, सपना। जी भाभी। कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? इस कमरे की ध्यान से सफाई कर दो, कहीं गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। थी, इसमें इतनी चिल्लाने वाली बात क्या हो गई? एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। बहू, अरे हिम्मत कैसे हुई सपना जात उठाने की? इस बदतमीज लड़की ने मेरा हार छुआ मुझसे बिना पूछे और जुबान भी लड़ा रही है। इस मामूली से हार के लिए तुम सपना पे हाथ उठाओगी? चलो माफी मांगो, माफी मांगो सपना से। थोड़ी की लड़की के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो? माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। मैं ना माफी मांगूंगी और ना मैं अब इस घर में रहूंगी। निशा, निशा, ये क्या कर रही हो तुम? और तुम घर छोड़ के क्यों जाओगी? तुम चुप थे ना, तब अब भी तुम चुप रहो। अरे मेरी बात तो सुनो। मेरे वजह से भैया भाभी घर से चले गए, मेरे वजह से आपका परिवार टूट गया ना। अपने आप को दोष मत दो सपना, और वैसे भी ऐसे बहू बेटे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। युवा से भूल जाओ। और हाँ, आज रात मेरा खास दोस्त अरविंद खाने पे आ रहा है, तुम तैयारी कर लेना। ठीक है। कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था, वापस आया तो तुझे मिलने सीधे आ गया। अरे यार बहुत अच्छा किया तुमने। अरविंद, ये सपना है, हमारे घर की नई सदस्य। हेलो। हाय। 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 वैसे एकदम कड़क। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। अरे हमारे साथ बैठो और ड्रिंक करो। एक्चुअली मैं शराब नहीं पीती हूँ सर। अरे तुम क्या है? अरे सपना बैठो ना, तुम कोल्ड ड्रिंक ले लो। हाँ ठीक है। हेलो। क्या? ठीक है मैं अभी आता हूँ। ठीक है। सॉरी यार, अर्जेंट कॉल है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं यार, फिर मिलते हैं दोबारा। ठीक है। चलो डार्लिंग। ठीक है? तुम हो ना मुझे संभालने वाली? हाँ।
क्या हुआ? क्या सोच रही है? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मुझे उसकी कीमत चाहिए। कीमत? हाँ, कीमत 2 करोड़ रुपए। तुम भी सवेरे सवेरे अच्छा मजाक कर लेती हो। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही। अगर तुमने मुझे 2 करोड़ नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। होश में होता हो तुम? है? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? निकल निकल मेरे घर, चल निकल निकल। साला मुरली, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों है? अरविंद, अच्छा है कि तू आ गया। देखना, ये सपना मुझे ब्लैकमेल कर रही है यार। वो क्या है ना, कल हम दोनों के बीच में संबंध बन गया, और अब ये बोल रही है कि अगर मैंने इसको 2 करोड़ नहीं दिया तो ये सबको बोल देगी कि मैंने इसका रेप किया है। जैसे सपना बोल रही है वैसे ही करना होगा दोस्त। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। कामिनी की तरह सपना भी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे पास भेजा था ताकि सही समय आने पर मैं तुमसे मोटी रकम ऐंठ सकूं। और वो सही समय अब आ गया है मेरे दोस्त। ऐसा क्यों किया तूने? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, क्यों? क्योंकि बिजनेस में मुझे लॉस हो गया था, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया था मैं, इसलिए अमेरिका छोड़कर यहां आया। यहां आने पर मुझे तू मिला, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। फिर मैंने एक प्लान बनाया और सपना को तुम्हारी जिंदगी में भेजा। घबराओ मत, हाँ चलो आओ मेरे साथ। जाओ, जाके सो जाओ। अच्छा तो यही होगा कि 2 करोड़ का इंतजाम जल्दी से जल्दी करना, वरना तेरा ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। अच्छा नहीं कर रहा तू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। देख ले, 24 घंटे तुम्हारे पास, 24 घंटे के अंदर 2 करोड़ का इंतजाम करना, वरना इसका अंजाम तुम्हें पता है। लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास। हाईवे के पास तेरी जमीन है, उसकी कीमत है 2 करोड़, उसे बेच दे और मेरा पैसा दे दे। लेकिन इतनी महंगी जमीन बेचने में टाइम लगेगा। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, जल्दी करो। अपना डार्लिंग, यस,
जब तक ये पैसे नहीं देता इस पे नजर रखना। बिल्कुल। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। टिक टॉक टिक टॉक। प्लीज शर्मा जी, कैसे भी करके तो हाईवा वाली जमीन आज के आज बेचवा दीजिए। मुझे 2 करोड़ की सख्त जरूरत है। मुरली जी, इतनी जल्दी जमीन की डील हो पाना नामुमकिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, माफ करें। शर्मा जी, हेलो हेलो हेलो, अजय अजय बेटा, अजय बेटा, अजय बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, अच्छा हुआ बेटा। क्या बात है पापा, आप जमीन क्यों बेच रहे हैं और आपको 2 करोड़ क्यों चाहिए? क्या बताऊं बेटा तुझे, तू यहाँ पर क्यों आया यहाँ पे? चल मुझे अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से निकल। पापा, अरे अब खड़ा क्या है, निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से, चल। फोन कहाँ रह गया मेरा, लग रहा अंदर ही रह गया। डार्लिंग, तुम्हारे पास अब सिर्फ 20 घंटे बचे हैं और इन 20 घंटों में अगर तुमने 2 करोड़ का इंतजाम नहीं किया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। कौन सा वीडियो? अजय, पापा क्या बात है और ये किस वीडियो की बात कर रही है, क्या छुपा रहे हैं आप, बताइए क्या बात है? बेटा एक सपना ने पापा, परेशान मत होइए, एक काम करते हैं पुलिस स्टेशन चलते हैं और इसकी कंप्लेन करते हैं, इनके किए की सजा इनको मिलके रहेगी। चलो बेटा। आँख खोल बेटा, आँख खोल, तुझे कुछ नहीं होगा। अजय, अजय, ये तो मर गया, अब क्या होगा? अजय, मार दिया तूने मेरे बेटे को। अजय, बेटा अजय। मेरे पास एक प्लान है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अरविंद हूँ, मुरली का दोस्त। मैंने ही आपको और निशा को फोन किया था। दरअसल हम जब यहाँ आए तब हमने देखा कि मुरली अपने बेटे के साथ झगड़ा कर रहा था और फिर इसने उसकी जान ले ली। अब सपना ही आपको अच्छे से बता सकती है कि यहाँ क्या हुआ है। क्या हुआ था यहाँ, आपकी ऐसी हालत किसने की? मुरली ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे बुरी तरह मारा हर जगह, और तभी उनका बेटा अजय भी आ गया था और जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपने बेटे के पास फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, मैडम को हॉस्पिटल ले जाओ और मेडिकल कराओ। राजेश, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इनको लेकर चलो।
चलिए। जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, ये सपना का मेडिकल रिपोर्ट है। ये कैसे हो सकता है? निशा कहाँ है? निशा अपने कमरे में सो रही है। मैंने जो काम बोला था वो हुआ? डन। गुड। ये रहे हाईवे जमीन और बाकी सारे प्रॉपर्टीज के पेपर्स, सब इसी में हैं और सारे पेपर्स मुरली के नाम पे हैं। गुड जॉब स्वीटहार्ट। अब ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे करूंगा और बेच दूंगा, उसके बाद पैसा ही पैसा और तुम दोनों को भी इसमें से हिस्सा मिलेगा। अगर उस दिन अजय नहीं आता तो हमें उसे मारना नहीं पड़ता, उसी दिन हमें 2 करोड़ मिल जाते और ये इतना लंबा चक्कर नहीं पड़ता। निशा, निशा तुम? मेरे अजय का खून तुम लोगों ने किया था, ना कि पापा जी ने। लेकिन उस दिन तो तुम लोग बच गए, अब नहीं बचोगे। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तुम लोग की सच्चाई बताऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। चल छोड़। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे तुम्हें छोड़ देंगे तो कैसे होगा? आप हटिए, इस उलझन को तुम मैं संभालती हूँ। छोड़ मुझे। बहुत चर्बी हो गई ना तुझे। मैं तुझे ठीक वैसे ही मारूंगी जैसे तेरे पति को मारा था। अपने हाथों से मारूंगी और तेरे टुकड़े 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 करके नाले में फेंक दूंगी। हम लोगों ने तेरे पति को मारा। रुक, मैं तुझे मार के दिखाती हूँ। रुक तो इधर। इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मेरे अजय का खून किया था। पापा जी बेकसूर हैं। हमें इनकी सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है कि कैसे इन लोगों ने मुरली जी को फंसाया और कैसे अजय की हत्या की। शक हमें तब हुआ जब सपना की मेडिकल रिपोर्ट आई। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से इनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई थी, बल्कि इनके चेहरे पे और हाथ पे जो खून के निशान थे वो किसी जानवर के थे। मुरली जी को फंसाने के लिए इन्होंने मुर्गी का खून अपने शरीर पर लगाया था। लेकर चलो तीनों को। बहू, बेटा मुझे माफ कर दो। पापा जी, बाप कभी अपनी बेटी से माफी मांगता है क्या?